दोस्तों फाइनली इंडिया के अंदर Realme Narzo 50 Pro 5G डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में इसी न्यू अपडेट के रिगार्डिंग सभी कुछ आगे वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहे। वेल दोस्तों Realme Narzo 50 Pro 5G डिवाइस में Realme की तरफ से Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को ऑल ओवर इंडिया में रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया गया है। एंड इस Android 13 अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में काफ़ी सारे न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेगा। वेल आपके डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट मिला या फिर नहीं, आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपके डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को नहीं मिला है तो आपको भी मिल जाएगा, बट उससे पहले आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने डिवाइस के सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट में चले जाना है, देन वहां पर आपको लास्ट में वर्जन चेकआउट कर लेना है, देन वहां पर आपको अपने डिवाइस को 8.05 या फिर 8.06 का लेटेस्ट वर्जन में अपडेटेड करके रख लेना है, तभी आपके डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को 8.05 और 8.06 का लेटेस्ट वर्जन बताया, ये रिक्वायर्ड वर्जन है, तभी आपके डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म देखने को मिलेगा। और इस Android 13 अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस में 60% बैटरी और 10GB की फ्री मेमोरी होना कंपलसरी है, तभी जाकर आपके डिवाइस में Android 13 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट इंस्टॉल हो पाएगा। और अपडेट करने से पहले आप लोग यहाँ पे बैकअप जरूर ले लेना। तो दोस्तों बस यही सभी लेटेस्ट अपडेट सामने निकल के आई थी जो कि मैंने आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर दिया हूँ। एंड ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी दोस्तों आप चाहे तो मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों में ही फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं मिलता आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।